अध्याय चार देख रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। हम अभी बात करने वाले हैं युद्धोत्तर काल की। युद्ध उत्तर मतलब युद्ध के बाद का जो काल है, युद्ध जब हो गया उसके बाद जब चीजें बिगड़ती हैं, तो युद्ध में सब चीजें बिगड़ती हैं, इंसान मरते हैं, बिल्डिंगें तबाह होती हैं, अर्थव्यवस्था तबाह होती है, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया जाता है और इसको सालों साल लग जाते हैं। तो पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, उसके दो दशक बाद मतलब 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब ये जो विश्व था इसमें दो खेमे थे, एक में जो है धुरी शक्तियां और एक में जो मित्र शक्तियां, धुरी मतलब सेंट्रल फोर्सेस, इसमें जर्मनी था, लेकिन इसमें नाक्सी जर्मनी था, क्योंकि यहां पर अब आ गए आपके साहब हिटलर साहब, जापान और इटली। तो जर्मनी, जापान और इटली एक साथ, और दूसरा खेमा था जिसमें ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था, अमेरिका था। आपको जान के अचरज होगा कि सोवियत संघ और रूस और अमेरिका एक साथ लड़ रहे थे उस समय। तो ये चला 6 साल तक। अब ये जो युद्ध चला ना, ये पहले युद्ध से बहुत ज्यादा आगे था। यहां पर जमीन, हवा, पानी सब जगह लड़ाई हुई। आपको याद होगा कि ये जो खत्म हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे और पूरा का पूरा, पूरी की पूरा जो शहर है वो बर्बाद हो गया था। उसके बाद ये खत्म हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध। तो मौत और तबाही जबरदस्त हुई, चाहे आप जो लड़ने गए थे, चाहे जो नहीं लड़ने गए थे। 6 करोड़ लोग मारे गए। आपको याद होगा पहले विश्व युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए थे, 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। यहां पर 6 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी कि पूरे विश्व की अगर जनसंख्या ले ले 1939 की, तो 3% लोग इस युद्ध में हलाक हो गए थे, करोड़ों घायल हो गए थे। आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं, ये रूस पर हमला कर रही जर्मन टुकड़ियां हैं और यहां पर ये सोवियत रूस में जब युद्ध हुआ उसके बाद तबाह हुआ ये उनका शहर है स्टालिनग्राद। अब लोग हलाक हुए इसमें, लेकिन इसमें एक अलग थोड़ी सी बात थी कि जो लोग लड़ भी नहीं रहे थे, जो लोग लड़ भी नहीं रहे थे, यूरोप और एशिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोग लड़ भी नहीं रहे थे, वहां पर भी लोग मतलब लोग भी गए और सामान की भी तबाही हुई, क्योंकि यहां पर हवाई बमबारी हो रही थी। और इस बमबारी में, क्योंकि जब बम गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि ये आदमी सैनिक है या नहीं सैनिक है, तो इससे बहुत ज्यादा आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ सभी को। तो इसका मतलब ये है कि अब देशों को पूरा दोबारा खड़ा करना और अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना ये बहुत लंबा काम होने वाला था। अब युद्ध के बाद जो जिसे कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, ये दो चीजें थी इसमें जिसके आगे बढ़ा, दो चीजें साथ में चल रही थी। एक तो ये था कि पश्चिमी विश्व की बात करें तो उसमें अमेरिका एक जबरदस्त ताकत थी, चाहे वो राजनीतिक तौर पे देखे चाहे सैनिक ताकत देखे, इसमें ये बड़ी जबरदस्त ताकत बन चुकी थी अमेरिका। और वहां दूसरी तरफ अगर देखें तो रूस, सोवियत संघ, इसने अपनी शक्ति जो है वो बहुत बढ़ा ली थी। जैसे ही सोवियत संघ ने जर्मनी को हराया, सोवियत संघ की जनता ने बहुत कुर्बानियां दी थी, और जब पूरी दुनिया महामंदी से परेशान थी, सोवियत संघ या कहें सोवियत संघ के लोग ये अपने देश को जो पिछला खेतिहर देश था उससे आगे लाके एक सुपर पावर, विश्व शक्ति की हैसियत उन्होंने बना ली थी। यानी कि यहां अमेरिका जबरदस्त हो गया था, वहां सोवियत संघ। तो युद्ध के बाद जो बंदोबस्त हुआ, जो प्रोग्राम बने, जो लोग बैठे, तो ब्रेटन वुड्स संस्थान, इसके बारे में बात करेंगे ये क्या चीज है। अब युद्ध तो हो गया तो लोग बैठे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो पॉलिटिशियंस थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, सब बैठे। पहला तो ये था कि जो ये बहुत ज्यादा उत्पादन कर लिया था, आपको याद होगा कि जो मैंने आपको पहले बताया था कारों का, हेनरी फोर्ड साहब ने जबरदस्त शुरुआत की थी, बृहद उत्पादन, बहुत ज्यादा उत्पादन करो, तो ये जो काम है ये नहीं किया जाएगा। पहली चीज तो ये है कि अगर
उपभोक्ता नहीं है, चीजों को लेने वाले नहीं है, तो इतना ज्यादा उत्पादन नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में ये करना भी है तो लोगों की आमदनी होनी चाहिए, लोगों की आमदनी स्थिर भी होनी चाहिए, कि जो कमा रहा है ऐसा नहीं कि आज कमा रहा है कल नहीं कमा रहा, तो कमाएगा तभी चीजें वो खरीद पाएगा। और कब कब कमाएगा? जब रोजगार होंगे, जब रोजगार होंगे। लेकिन बाजार कभी गारंटी नहीं दे सकता कि हम सबको रोजगार देंगे, क्योंकि जो कीमत है वो चेंज हो रही है, प्रोडक्शन अलग हो रहा है, रोजगार जो है वो उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो अगर ये सब जब चीजें चेंज हो रही है तो इसको केवल रोज केवल कंपनीज इंडस्ट्रीज तो नहीं कर सकती, इसमें सरकार का दखल, सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश में। क्योंकि जब सरकार कहीं कुछ ऐसा हो रहा होता है, सरकार हस्तक्षेप करती है, तभी चीजें बराबर रहती हैं, स्थिर रहती हैं। एक पहला सबक तो ये था। दूसरा सबक ये था, सबक ये था कि बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में बात की गई। आर्थिक संबंध अब केवल एक देश के नहीं रहे या चार देशों के नहीं रहे, अब ये पूरे पूरे विश्व भर के हो गए। यानी कि अगर आपको वाकई में रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो तभी हो सकता है जब सरकार के पास सामान, पैसा और लेबर यानी श्रम, ये जो आना जाना है उसको नियंत्रण करने का, उसको कंट्रोल करने का की ताकत सरकार के पास हो। ऐसे नहीं कि सब चीजें हो रही है सरकार को पता ही नहीं है, सरकार उसमें कोई कर ही नहीं सकती। सरकार जब इस पे कंट्रोल रखेगी तभी चीजें हो सकती। आप दो चीजें समझ गए, ये चीजें निकल के आई। आप ये कहें, संक्षेप में बताता चलता हूं कि अगर आपको एक पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनानी है, इसका मतलब ये है कि एक तो रोजगार बनाए रखे जाए और आर्थिक स्थिरता, जो इकोनॉमी हो वो डावाडोल ना हो। तो यही एक जो बातचीत चली उसके फ्रेमवर्क पर, यानी कि इस खाके पर जुलाई 1944 में अमेरिका का जो न्यू हैम्पशायर है उसके, ये आप देख भी रहे हैं इसका चित्र, इसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स। ये एक जगह है ब्रेटन वुड्स, अमेरिकी स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल, ब्रेटन वुड्स जो जगह है वहां पर, जो ये होटल है वहां, उस जगह पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। यानी कि एक संयुक्त मतलब होता है कंबाइन, राष्ट्र मतलब है सारे देश मिलकर, मुद्रा माने होता है पैसा, वित्तीय माने होता है अगेन पैसा। तो मुद्रा और जो वित्त, वित्त मतलब आदान प्रदान, इसके लिए एक सहमति बन गई। यहां पर बैठ के सब लोगों ने सहमति बना ली। अब जो भी देश इसमें थे, सदस्य देश जिसको कह सकते हैं, तो इस जो जी जो भी लाभ और घाटा होने वाला है उससे, उसको से बचने के लिए, उससे निपटने के लिए जो वुड सम्मेलन है, ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें IMF बन गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बन गया। IMF की IMF इंटरनेशनल मतलब एक तरीके से पैसा का भंडार, इंटरनेशनल पूरे विश्व का एक पैसा भंडार IMF यहां बन गया। तो अब जो पुनर्निर्माण होना है, उसका पैसे का इंतजाम होना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी कुछ हुआ। जैसे जो रिकंस्ट्रक्शन होना है, इतना जब युद्ध युद्ध हो गया है और उसके लिए एक विकास बैंक चाहिए, एक ऐसा बैंक चाहिए जो इसके लिए पैसा दे सके, तो इसीलिए इसको विश्व बैंक कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसको विश्व बैंक कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसको विश्व बैंक कहा गया। तो दो चीजें बन गई, एक आपका IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक। तो इसी वजह से ये जो विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन, ब्रेटन वुड्स ट्विन, ट्विन मतलब होता है दो बच्चे जो एक जैसे होते हैं, जुड़वा संतान, तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स से दो चीजें निकल के आई, IMF और विश्व बैंक, इसको जुड़वा ये कहा जाता है, संतान कहा जाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके बाद जो युद्ध के बाद जो पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था समझिए आप क्या चीज होती है। ये दोनों जो थे जुड़वा संतान, विश्व बैंक और IMF, इन्होंने 1947-1947 में अपना काम शुरू किया औपचारिक रूप से। अब इसमें किन देशों का आधिपत्य रहा? वही देश, पश्चिमी औद्योगिक देश, जो उद्योग में अच्छे हैं और पश्चिमी है, वो लोग मेन थे इसमें। अब अमेरिका के पास ये पावर थी, क्योंकि अमेरिका बहुत जबरदस्त था। मैंने बताया था कि अमेरिका और सोवियत संघ ये विश्व शक्ति बन के उभर गए थे,
तो अमेरिका के पास ये पावर थी, वो किसी भी फैसले को, कोई भी अगर विश्व बैंक और आईएमएफ का फैसला लिया जाता है उसको वो वीटो कर सकता है, यानी कि अगर वीटो कर दिया, जिसे कहते हैं निषेधाधिकार, मतलब एक सदस्य मना कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो ये जो दोनों मैंने संस्थाएं बताई, ये एक तरीके से जोड़ने वाली व्यवस्था थी अलग अलग देशों की मुद्राओं को और अर्थव्यवस्था को। तो जो ब्रेटन वुड्स की व्यवस्था है, इसमें जो एक्सचेंज रेट है, जैसे मान लीजिए कहीं का डॉलर है कहीं का रुपया है, इसके बीच में जो एक्सचेंज रेट बनेगा कि एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा, एक रुपया कितने येन के बराबर होगा, ये बिल्कुल फिक्स था, मतलब निश्चित दर था उस समय। तो बिल्कुल निश्चित दर है कि एक डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे, ये बिल्कुल फिक्स था। और डॉलर का मूल्य कैसे, मतलब हर चीज डॉलर के हिसाब से थी, और डॉलर का मूल्य जो था वो सोने से बंधा हुआ था, और एक डॉलर की कीमत जो है 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी यहां पर, किस जगह पर, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में। फिर से समझाता हूं आपको कि एक व्यवस्था ये थी कि निश्चित विनिमय दर होगा, मतलब एक डॉलर के प्रति जितना पैसा बनता है एक देश का, उतना उसका एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया था। एक जैसे अभी मान लीजिए एक डॉलर का 72 रुपए है या 71 रुपए है, तो ये फिक्स कर दिया गया था, और एक डॉलर की कीमत थी 35 औंस, औंस वेट होता है उसके सोने के बराबर। तो ये तो वहां पर तय हो गया। अब और चीजें क्या हुई, जब युद्ध के बाद जो शुरुआती समय था, शुरुआती वर्ष थे, तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आप समझ गए थे, इसमें जो पश्चिम के राष्ट्र हैं और जापान, पश्चिम औद्योगिक राष्ट्र यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, और जापान, उसके लिए व्यापार और जो आय है इसमें वृद्धि के लिए एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। इसका मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज एक तरीके से कह सकते हैं, उस समय तो नहीं थी लेकिन आप कह सकते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज और जापान, इसके लिए बड़ा अच्छा काम हुआ यहाँ पे। 1950 से 1970 के बीच जो विश्व व्यापार था उसका विकास दर 8% से भी ज्यादा रहा। 8% बहुत बड़ा नंबर होता है। इसका मतलब जो वैश्विक आय है, पूरे विश्व की जो आय है, वो 5% की दर से बढ़ी। इसका मतलब विकास दर एक तरीके से स्थिर रही, ज्यादा उतार चढ़ाव हुए नहीं, विकास अच्छे से हो रहा था, इसका कहने का मतलब ये है। तो जो औद्योगिक देश थे, जो ऐसे देश थे जिस जहां पर उद्योग बहुत अच्छे से था, वहां पर जो बेरोजगारी है वो 5% से भी कम रही, मतलब 100 में से केवल 5 लोग बेरोजगार रहे। यहां पर तकनीक और बहुत तकनीक क्योंकि बढ़ रही थी और बहुत सारे उद्यम लग रहे थे, बहुत सारे उद्योग लग रहे थे, तो इसका पूरे विश्व में प्रसार हुआ। अब जो विकासशील देश है वो, अब देखिएगा, जो विकासशील देश है जो विकास अभी भी कर रहे हैं, और जो विकसित औद्योगिक देश थे जो ऑलरेडी विकास कर चुके थे, उस विकासशील पूरी कोशिश कर रहे थे वो किसी तरीके से विकसित बन सके, उनके आसपास जा सके, राइट। तो उन्होंने क्या किया, विकासशील देशों ने जबरदस्त पैसे लगाए, किस पे, जो तकनीक चल रही है, जो लेटेस्ट तकनीक चल रही है, लेटेस्ट उपकरण बन रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बेहिसाब पैसा खर्चा किया। अब आप देखिएगा इसमें औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, यानी कि जहां जहां कॉलोनीज बनी थी वहां पर स्वतंत्रता भी मिलने लगी, या स्वतंत्रता का क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो बहुत सारा दुनिया का भाग ये यूरोपियन शक्तियों के अधीन था, औपनिवेशिक शासन के अंदर था। तो अगले जो दो दशक आए, दो जो 20 साल आए, उसमें एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे थे जो स्वतंत्र हो गए, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन जब ये कॉलोनी से अलग हुए, जब ये खुद अपने पैरों पर आए, तब यहाँ पर तो गरीबी थी, संसाधन भी कम थे, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल टूटी हुई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी औपनिवेशिक शासन के कारण। तो अब ये दो जो जो मैंने बताया कि ट्विंस, आईएमएफ और विश्व बैंक, ये किस लिए किया गया था, ये उन देशों के लिए किया गया था जो औद्योगिक देश है, वो देश जो औद्योगिक देश है। ये संस्थान इसके लिए नहीं था कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो बेचारे अभी 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 स्वतंत्र हुए हैं, जिनकी हालत खराब है, उनको संभालने के लिए ये दोनों नहीं थे, आईएमएफ और विश्व बैंक। लेकिन जिस तरीके से यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था बना ली, जबरदस्त तरीके से क्रिएट कर ली, मतलब दोबारा उनको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उसका मतलब ये भी था कि ये आईएमएफ और विश्व बैंक की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में विकासशील देश करना चाहते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो
आखिर में जब हम 50 साल, इस कारण 50 साल के, 50 के दशक में, 1950 के दशक में के जो आखिरी साल थे उसमें जो ब्रेटन वुड्स है वो संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि अब उनकी जो बात थी, जो जो जिनके लिए बनाया गया था वो तो विकास कर ही रहे थे, और जो नहीं विकास कर रहे उनका क्या, उसके लिए वो ध्यान देने लगे थे। अब इनको ध्यान देना भी पड़ा है, IMF और विश्व बैंक को। एक आयात शुल्क शब्द आएगा, मतलब अगर आप आयात करते हैं तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आयात आयात शुल्क कहते हैं, जैसे बंदरगाह पर, हवाई अड्डे पर, सीमा पर लगाया जाता है। दुनिया में ऐसे भी भाग थे जो अभी अभी फ्री हुए थे, पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थे। ये जो नए राष्ट्र थे, जो मतलब जो अभी अभी फ्री हुए, गरीब थे, पिछड़ेपन थे, अब उनको किस, अब आप देखिए कितनी आयरनी है, वो किसके पास जाएंगे? वो मान लीजिए ब्रिटेन से हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन वो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को गरीबी और पिछड़ेपन से अगर अलग करना है तो किसके पास जा रहा है? वो दोबारा ब्रिटेन के पास जा रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास वो जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन थे? उन्हीं की कॉलोनी वाले थे जिन्होंने उनको कॉलोनी बना रखा था, है ना? थोड़ा सा एक आयरनी है यहाँ पर। तो औपनिवेशीकरण जब खत्म हुआ है, उसके बाद बहुत जब ये खत्म हो गया, तो जो नए राष्ट्र थे वो उसके बाद भी इन्हीं शक्तियों के अधीन बने रहे। कैसे? पहले तो वो थे, फिर वो स्वतंत्र हो गए, उसके बाद वो बेचारे बहुत गरीब थे, तो दोबारा वो पहुंच गए उन्हीं के पास जो लोगों ने उनको शक्ति, वो कॉलोनी बना रखा था। यानी जो ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे वो भी दोबारा इन्हीं के पास चले गए, क्योंकि अब देखिए कि ब्रिटेन और फ्रांस निकल तो गए थे, उपनिवेश जहां उन्होंने उपनिवेश बना रखे थे वहां से निकल तो गए थे, लेकिन जो वहां के संसाधन थे, खनिज था, जमीन थी, उन पर कब्जा किसका रह गया था? वहां से तो कंपनियां तो नहीं हटी ना, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां तो अभी भी उस देश में थी और वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो कई बार अमेरिका जैसे जो शक्तिशाली देश है उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये भी जो विकासशील या डेवलपिंग कंट्री है उसके संसाधनों पर जाकर कम कीमत पर उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है, और ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा हुआ। तो दूसरी ओर अगर आप ज्यादा देखें तो जो ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री थी 50 और 60 के दशक में, उनमें पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, यानी कि पश्चिम तो वाकई में प्रगति कर रहा था, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, जो अभी भी कॉलोनी से अलग हुए थे या जो वैसे भी कॉलोनी में भी नहीं थे, वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब कोई इस समस्या का निदान तो उन्हें करना था, तो उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली सब मिले और बैठ के उन्होंने एक G77 समूह 77 बनाया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, इसका संगठन बनाया। तो जो NIEO है इसका मतलब ये है कि ऐसी व्यवस्था, क्योंकि हमने एक व्यवस्था देख चुके थे जो IMF और जैसे विश्व बैंक बना, तो ये जो व्यवस्था है इसमें संसाधनों का उनको पहले तो नियंत्रण मिल सके, जो उनके संसाधन है, अगर संसाधन किसी और देश के पास है या फिर उपनिवेशिक पुराने लोगों के पास ही है तो कैसे काम चलेगा। तो वो चाहते थे पहले तो संसाधन पे उनके कब्जा मिले, कच्चे माल का सही दाम मिले, जो तैयार माल है वो जब वो विकसित देशों को बेचे तो वहां पर उनको बराबर पैसा मिले, तो इसीलिए इन्होंने अब G77 बनाया। तो अब ब्रेटन वुड्स खत्म हुआ, उसका समापन हुआ, और अब असली ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, असली वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। सालों तक सब चीजें स्थिर रही, बिल्कुल बराबर रही, और कई देश जो है आराम से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं रहा। 60 के दशक से ही जो विदेशों में अपनी गतिविधियां की भारी लागत ने अमेरिका को एक वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। इसका मतलब मैं समझाता हूं, अमेरिका डॉलर जो है अब इस तरीके से नहीं रहा कि जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था अमेरिका अमेरिका चल रहा था, उसके डॉलर के हिसाब से बाकी कन्वर्जन रेट फिक्स कर दिए थे, अमेरिकी डॉलर को 30 जो 30 औंस सोना है उसके बराबर कर दिया गया था। अमेरिका इस तरीके से रहा नहीं, मतलब इतनी सम्मान उसको नहीं रहा उसकी जो प्रधान मुद्रा था, क्योंकि चीजें चेंज हुई, सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी। इसका मतलब जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया था वो चीज विफल हो गई, वो खत्म हो गई, वो अब कारगर नहीं रही। यानी कि अब अस्थिर विनिमय दर
यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, एक डॉलर का जो रुपया कन्वर्ट होता है, वो अब आप देखेंगे कि हर दिन चेंज होता है। आज 71 रुपए तो कल 71 रुपए 5 पैसे पहुंच जाएगा, ऐसे अब चेंज होने लगा। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वित्तीय संस्थान थे, या ये कहें कि जो जो इस चीज को देखते थे, पैसे वाली चीजों को देखते थे, उसमें भी काफी बदलाव आए। विकासशील देश अब तक कर्जा और कर्जे के लिए, और जो भी उनको विकास के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए सहायता होती थी, वो कहाँ जाते थे? वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास जाते थे। लेकिन अब उन्हें पश्चिम के जो व्यावसायिक बैंक है और जो निजी ऋणदाता है, संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा कि आपको यहीं से लेना है। देखिए, आप पश्चिम व्यावसायिक बैंक पे आइए, वहीं से लीजिए कर्ज, जहां से मतलब वही ऑप्शन रहेगा उनके पास। और जैसे इसके कारण जो विकासशील ऐसा ऐसा विश्व देख लीजिए, जो विकासशील था, थोड़ा विश्व को अलग करके देखते हैं, एक विकसित हो गया, एक विकासशील, तो अब उनको वहीं जाना पड़ रहा था अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, तो इनके कर्ज के संकट पैदा हो गए, जिसके कारण वहां जो सैलरी थी, आई थी, उसकी गिरावट आ गई, और इन देशों में, विकासशील विश्व में, और गरीबी बढ़ने लगी। सबसे ज्यादा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये चीज देखी गई। औद्योगिक विश्व, यहां पर भी आपका बेरोजगारी शुरू हो गई। तो 70 के दशक में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, और 90 के जो प्रारंभिक वर्ष है वहां तो काफी ज्यादा हो गया। तो 70 दशक, 70 के दशक के जो आखिरी साल है, उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनी है या बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इन कंपनियों ने भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित किया जहां पर वेतन कम थे। यानी कि अगर मान लीजिए आप कनाडा में काम करते हैं, तो मिनिमम वेज $14 आपको देना ही पड़ता है। अगर कोई किसी को भी काम करने के लिए रखते, चाहे लेबर हो, चाहे कोई भी हो, उसको $8 या $9 आपको अमेरिका में देना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, अगर हिंदुस्तान में काम कराएं किसी से, तो उसको आप दिन का 200 रुपये दे दें, 400 रुपये दे दें, 600 रुपये दे दें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कम वेतन पे भी काम करा सकते हैं। तो जितनी एमएनसी थी, अब उन्होंने रुख कहाँ का किया? ऐसी जगह, ऐसी जे देश जहां पर लोगों को काम की जरूरत है, वहां कम पैसे में भी काम कर रहे थे, कम वेतन पे काम कर रहे थे। तो अब यहां पर देखिएगा चीन का रोल कैसे आता है। चीन 1949 की जो क्रांति थी, उसके बाद वो विश्व से थोड़ा अलग हो गया था, उसकी अर्थव्यवस्था से अलग थलग रहा, ठीक। लेकिन जैसे ही जो चीन में जब नई नीति आई, और जब सोवियत खेमा जब टूट गया, या ये कहे कि सोवियत खेमे में बिखराव आया, और पूर्वी यूरोप में जो सोवियत शैली है उसकी व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद, बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। इसका एक ही लाइन में मतलब समझ लीजिए कि चाइना, जो पहले विश्व अर्थव्यवस्था से बाहर था, अब वो वापिस आ गया। इसका मतलब जो नायक है, हीरो है, वो दोबारा उसने एंट्री ले ली। अभी तक अमेरिका था हीरो, अब चाइना की एंट्री हो गई। तो चीन में, क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है, वहां पर वेतन कम है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो मल्टीनेशनल है, वो उन्होंने चाइना में निवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना आ गया था अर्थव्यवस्था में, उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक हो गई थी। तो अगर आप देखें, आपका टेलीविजन पलट के देखिएगा, मोबाइल फोन और जो खिलौने, बहुत सारी चीजें, वो सब कहाँ बनी होती है? चाइना में, क्योंकि वहां जो पैसा लगाना है वो भी कम लगाना है, और वेतन भी कम देना है, तो जो प्रोडक्ट आता था उससे कंपनियां ज्यादा मार्जिन, ज्यादा प्रॉफिट बना पाती थी। दो शब्द इसमें आए हैं, स्थिर विनियम और परिवर्तनशील विनियम दर। स्थिर विनियम दर का मतलब होता है एक्सचेंज रेट होती है ये। तो जैसे ही आप, जैसे कोई चीज चेंज हो रही है, चाहे अर्थव्यवस्था भी चेंज हो रही है, तब भी फिक्स दर पे रेट चेंज होगा। जैसे $1 का आपको 70 रुपये देना है, तो आज भी देना है, कल भी देना है, 70 रुपये कल भी रहेगा। लचीली और परिवर्तनशील विनियम दर का मतलब होता है कि $1 का आप आज 70 रुपये दे रहे हैं, कल आप 71 रुपये देंगे, हो सकता है एक दिन आप 69 रुपीज दे रहे हैं। तो ये चेंज होता रहता है पूरे विश्व के हिसाब से। जो अर्थव्यवस्थाएं चेंज हो रही है, जो जो येन का रेट चेंज हो रहा है, या डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, या कहें फिर कि लीरा का रेट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से करेंसी का एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, ठीक। उसके बाद भारत, चीन, ब्राजील, ये भी इस तरीके से देश रहे जहां पर कम वेतन पे लोग आए, इसी तरीके से पूंजी पे असर पड़ा। लेकिन आपको समझना ये है कि चाइना के साथ कैसा हुआ, क्योंकि चाइना ने अब रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो ये बात हुई हमारे सारे औद्योगिकरण के हिसाब से, वैश्वीकरण के हिसाब से, और युद्ध के हिसाब से, और जो वहां के लोकल, जैसे हमने अफ्रीका का भी देखा कि किस तरीके से वहां पर केवल वो जानवरों के हिसाब से रहते थे,
और उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने कभी देखा भी नहीं था कि उनको कोई पैसा कमाना है। तो इतनी सारी चीजों को मिला के फिर ग्लोबल विश्व बना, पहले IMF वगैरह बना, IMF और विश्व बैंक, वो दोनों आज भी हैं, आज भी है, लेकिन उसके हिसाब से जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हुआ। आज आप देखते हैं कि एक्सचेंज चेंज हुआ, तो शुरुआत से आखिर तक जो जो चीज़ें हुई, चाहे हिंदुस्तान की बात की हमने, चाहे चाइना की बात की, ये सारी चीज़ें इस तरीके से चेंज हुई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो गया पूरे विश्व का। खास तौर पे हमने जो संदर्भ लिया वो था अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, ग्लोबल इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।